we can see the visual of the lander module, and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। The altitude is being brought down from 800 meters, and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर क्या हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द वर्टिकल वेलोसिटी इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं, ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से, व्हिच विल हैव द एज एक्सपेक्टेड द री लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर। करेंटली ओनली टू इंजन्स आर नाउ बीइंग फायर्ड एंड वी आर नियरली एट जीरो वेलोसिटी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वी वर होवरिंग एंड नाउ वी आर अप्रोचिंग द मून सर्फिस। धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल नरेंद्र मोदी जी हु इज हियर टू एनकरेज अस एंड ही इज क्रिटिकली लुकिंग एट द विजुअल्स। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम